हाँ। तो काटेंगे इसको पीछे की साइड, हम इसलिए काटेंगे इसको हाँ। ताकि हम अच्छे से रख सकें इसको। ये देखिए हमने काट लिया इसको, काटें इसको, इसको काट काट के इसे रखना है इसको। अच्छा, बराबर हाँ, हो गया, बराबर हो गया। अब इसको हम यहाँ पीछे से काट लेंगे। अच्छा हाँ, इधर भी काटेंगे। इसमें गड्ढा बनाना है, इसमें गड्ढा हाँ, बनाना गड्ढा बनाना है ताकि इसमें कड़वा तेल, सरसों का तेल आ सके। अच्छा, इसमें गड्ढा बनाना हाँ। चलो देखते हैं भाई ये कैसे कैसे क्या करना है। मतलब इसमें गड्ढा बनाना, इसमें गड्ढा बनाना है। तो मतलब मोर्टिन और ऑलआउट का काम ही खत्म, ऑलआउट का और मोर्टिन का काम खत्म, क्योंकि काम भी नहीं करता है वो, बीमारियां हाँ। जरूर लेके आता है, इससे बच्चों पे ज्यादा बीमारियां हमला करती हैं, वो काफी पैसे भी खर्च होते हैं। गैस जो इसका जो होता है ना, ये बहुत नाक में लगता है, नुकसानदायक करता है, नुकसानदायक होता है। और एक यहाँ चीज जो गैस होती है, लगती जरूर, लगती तो जरूर है आंखों में, जिसे प्याज तो लगती है, प्याज जिसे काटते हो आंख में लगता है, आंख में फिर 2-3 की मिनट बाद आपकी आंखें सही हो जाती हैं, बिल्कुल अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है हाँ। तो इसमें कोई नुकसानदायक चीज नहीं है। अब इसमें हम गड्ढा बना लिए हैं, अब इसमें गड्ढा बन गया, गड्ढा बन गया। ये देखिए, चलो इसमें लमसम 20-25 ग्राम तेल कड़वा आ सके, इसलिए गड्ढा बनाया जाता है। इसमें तेल डाल, हाँ इसमें हम तेल डाल देंगे। चलो देखते हैं भाई, ये देखिए इसमें हम तेल लमसम 20-25 ग्राम डाल दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है? अब एक कॉटन रुई लेना है, इसकी बना लेनी है बाती। अच्छा, इसकी हाँ, बाती बना, इसकी बाती बना लेनी है। बनानी है बाती, अभी देखना है। ये देखिए, अब इसको हम बना लेंगे बाती। ये बन गई बाती, इसको तेल में हम भिगा लेंगे ताकि जलने में आसानी से, इसकी बाती बनानी। हाँ, बाती बनानी। चलो देखते हैं भाई, अभी बाती बन, बाती बन गई है। अब हम इसको जला लेंगे, अब इसको जलाएंगे। जलाने से क्या होगा? जलाने से ये होगा हाँ। जो एक कड़ा तेल है हाँ, सरसों का तेल है हाँ। और ये प्याज की जो जो वो होती है झाग, झाग होती है जो हाँ। निकलती है आंखों में लगती है हाँ, लगती वो तो। दोनों साथ में मिक्स होकर निकलेंगी। अच्छा, मतलब ये प्याज के अंदर का जो रस में जो झाग होता है हाँ, हाँ, रस के साथ में ये तेल में मिक्स होकर ये रोशनी जो भी जलाएंगे इसके धुएं के साथ में निकलेगी। और जो मच्छर होते हैं, मच्छर के जहाँ भी अटैक करेगा वो भी 2 मिनट में गिर, देखना अभी किससे गिरते हैं। पहले बात तो ये है कि मच्छर आएंगे ही नहीं, वो आएंगे तो मच्छर फटाक से नीचे हो जाएंगे। अच्छा, चलो जलाओ भाई, जलाओ, देखते हैं। जलाओ अब इसको, उसको हम जला लेंगे। ऐसे ही करना है? बिल्कुल ऐसे ही करना है। अच्छा, चलो देखते हैं भाई कैसे मच्छर मर जाते हैं। ये देखिए, अब ये जलने लगा, ये जलने लगा। अब ये कितनी देर में अपना काम शुरू करेगा? बस थोड़ी देर में हाँ। बस इसको जलने दीजिए हाँ। बस अभी इसके धुएं के साथ में हाँ। बस अभी देखना, खुशबू आने लगी, खुशबू आने लगी ना हाँ भाई। और एक खुशबू नुकसान हाँ। भी नहीं करेगी। अच्छा, जैसे मैक्सो अलाउट हाँ। जैसे है ये नुकसान की बहुत चीजें हैं हाँ। देखते हैं बीमारियां बटोर लाते हैं। अच्छा हाँ, अभी देख, ये देखिए गिर गया मच्छर, ये देखिए भाई, ये देखो मच्छर गिर गया, मच्छर गिर, देखो जलते ही जलते 2 मिनट में, ये देखो एक और मच्छर गिरा, 2 मिनट में ये देखिए गिरने लगे मच्छर। जो मच्छर मच्छर आएंगे वो बाहर बाहर जाने वो चले जाएंगे, जो अंदर रहेंगे, अरे ये देखो कितने सारे मच्छर गिर रहे हैं। अरे भाई इतने सारे मच्छर गिर गए हाँ। अरे अब इसका हाँ। इसका काम ही खत्म, इसका काम ही खत्म, इसका काम खत्म, इसको साइड कर देते हैं हाँ। इसका काम खत्म, मैक्सो अलाउड, इतने सारे मच्छर मर गए, मैक्सो अलाउड काम की खत्म हाँ। 2 मिनट में हाँ। मच्छर मारने का एक देसी जुगाड़, उस बिना 1 रुपए खर्च करे, खाली सरसों का तेल पेवर हाँ। एक प्याज होना चाहिए, कॉटन रुई सबके घरों में मिल जाती है हाँ। जितने किसान भाई होते हैं सबके के वहाँ प्याज तेल कॉटन रुई मिल जाती है। और 2 मिनट में मच्छर मार के गिराएं और मच्छर भगाएं, मच्छर मक्खी सारे ठीक है। और कमाल है भाई, जबरदस्त भाई, थोड़ी देर में सारे, जहाँ भी सोते हो हाँ। कहीं से भी
रख दो कहीं, वो सारा कवर कर लेगी। ये कितने दिन चलेगा? ये चलेगा एक लमसम, ये 10 दिन चलेगा। प्याज खराब नहीं होता है, प्याज में तेल डालना, तेल डालते रहो प्याज तब ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। अच्छा, तब उसको फेंक देना है, फिर एक दूसरा नया प्याज लेना है। हाँ। और बीच में गड्ढा बना के तेल भर देना है, और फिर कॉटन रुई की बाती बनाकर अपने घर में रख दें, और 2 मिनट में मच्छर भगाएं घर से। ओ भाई जबरदस्त भाई। हाँ, तो भाई करना है। अच्छा, और ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करें अच्छा। हाँ। लगा हो तो, और कमेंट करें जरूर बताएं आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम भी देखें आप सभी कहाँ से वीडियो हमारा देख रहे हैं।